गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए अभी नूना क्या कर रहा है। और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और सूरज की किरणें भी सामने आ गई है, जैसा कि आप लोग को दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा फोकस है। और आज तो निकली है धूप। और अब चलते हैं किचन में। और यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज, मिर्ची और जीरा, क्योंकि रात का गाइस हल्का सा चावल बचा था, तो मैंने सोचा फ्राई कर दूँ, बाबू खा लेगा और थोड़ा सा नाश्ता में ऐड हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी बच जाता है। जैसे कि अगर दो रोटी खाना है तो एक रोटी खाते हैं। और इसमें ऐड करूँगी मैगी मसाला, तब जाके स्पाइसी और टेस्टी बनेगा। और काफ़ी अच्छा मैगी मसाला का फ्लेवर भी आता है ये, और टेस्टी भी बनता है इससे। और इसमें यही ऐड करूँगी। और अभी चाय भी बना लिया है, जैसा कि चाय भी तैयार है। बस अभी अब फ्री होकर स्नान हो करके इसके पापा आ जाएंगे नोना के, तो काम करेंगे। और इधर नोना तूफान घर में पूरा फैला रखा हुआ है। देखिए इसका टोए चेयर सारी चीज़ें भाग रहा है। हाँ आइए आप इधर आओ। और दूध भी आ गया, दूध के पीछे भी भागता रहता है। तो फ्राई चावल तैयार है। मैंने गाइस हल्का सा इसमें मटर भी ऐड कर दिया और पनीर 3 से 4 टुकड़े डाल दिए, ताकि थोड़ा सा और फ्लेवर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। फ्लेवर के लिए हल्का सा मैं इसमें सिरका डाल दूँगी। आप लोगों ने जैसे देखा कि मैंने डाल दिया इसमें सिरका, अभी बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई भी हो गया और ब्राउन भी हो गया, सोना भी हो गया। और अभी हो गई नाश्ता की, सुबह की तैयारी हो चुकी है, जो कि बाबू भी खा लेगा और फिर बनेगा दोपहर का लंच। तो गाइस कपड़े वगैरह धो लिया है, दोपहर का सारा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि बाबू का ज़्यादा कपड़ा होता है। और चलते हैं अभी से डाल। तो देख सकते हैं चारों तरफ कपड़ा डाला हुआ है। और इधर बाबू का मैंने डाला था ताकि जल्दी सूख जाएगा गाइस, बट सूख नहीं पाया है। और धूप तो है बट इसके ये बन जाने की वजह से ना पूरा ये देख सकते हो मतलब ढक जाता है धूप। और नीचे भी कपड़े डले हुए हैं और लोगों का, और मैं भी बाबू का इधर ही डाल देती हूँ क्योंकि सुखाना भी ज़रूरी है। और बच्चों का कपड़ा तो गाइस हो ही जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो डाल दिया कपड़ा। और ये है बालकनी, यहाँ से देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप आई है, मतलब मस्त। और इधर डाल दिया बाबू का भी कपड़ा, सारा सूख रहा है, डेली का हो जाता है गाइस इतना सारा कपड़ा। और इधर से देख सकते हैं क्या मस्त धूप निकली हुई है। और सूरज को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा, दिखो ये देखिए दिखे, तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब मजा वाली धूप है। और ये जूते इसके डैडी के हैं, आई थिंक सूख ही गया है सारा, ये ड्राई हो चुका है, पर फिर भी थोड़ा छोड़ दूंगी इस पर ताकि थोड़ा और ज़्यादा इसको धूप लग जाएगी। और इधर भी डाल दिया कपड़ा मैंने बालकनी में, थोड़ा सा सूख जाएगा। और इधर इसके पापा का डाल दिया थोड़ा कपड़ा, और सारा कपड़ा डाल। अब किचन की तरफ आ गई हूँ, इधर दूध बॉयल हो गया है मेरा, और इधर चावल बनाया है, क्योंकि चावल के बिना मेरा पेट नहीं भरता, तो मुझे चावल भी बनाना ही होता है, ज़रूरी होता है। तो चावल देख सकते बन चुका है मेरा चावल। और अभी बाबू सो रहे हैं, बाबू सो के उठे, नूना सो रहा है, ये देखिए खेल के आए गाइस और अब सो रहा है मतलब बेखबर होके। और इधर और अब सो लिया है। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और इधर मैंने सब्जी काट लिया था ऑलरेडी, मसाला वगैरह भी कर दिया। और इधर अब फ्राई कर रही हूँ, जो कि मटर पनीर आज बनाना है, क्योंकि शादी के बाद तो यही है मटर पनीर, तो सब्जी खाना पीना यही बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और ये सफल मटर है, मैंने इसको बॉईल कर लिया है, और ये पनीर है, इसको भी मैंने हल्का सा फ्राई कर दिया ताकि सोना हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, सब्जी भी टेस्टी हो जाएगी, क्योंकि अब तो सिलेंडर का खाना गैस का खाना ऐसा ही होता है। और तो गैस यहाँ हो गया मटर पनीर तैयार, और नोना खाने भी लग गया है, सो के भी उठ गया। और यहाँ पे चावल है गरम गरम और है मटर पनीर। तो किसको अच्छा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।